सो हेलो एवरीवन, तो आज हम एक कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और इसका जो ROI है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सारे IITs से भी अच्छा है। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों इसका ROI अच्छा है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बातें कर लेते हैं। इस बीटेक वगैरह के लिए इसमें जीरो फी, मैंने ऑलमोस्ट जीरो फी होती है। ये जीरो फी बिल्कुल ऐसे होती है कि मतलब 4000 के आसपास में आपका पूरा एक साल का ट्यूशन फी होता है, इसलिए ये एकदम जीरो फी की टाइप मान सकते हो। पहली बात, ये पब्लिक है, मतलब पब्लिक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है ये, बेसिकली कोलकाता में है। इसकी जो मेन कैंपस है वो 58 एकड़ की कैंपस की है और 26 एकड़ इसका सॉल्ट टेक में एक और कैंपस है जो 26 एकड़ का है, ठीक है। इसमें कोटा लगता है सिंस बिकॉज कि ये पब्लिक है और स्टेट वाली यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कोटा लगता है। 90% जो है वो वेस्ट बंगाल वाला स्टेट के लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व है, और 10% में अदर स्टेट आ जाते हैं। अदर स्टेट का मतलब बाकी जो 10% है वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे और फिर सबको इसमें फाइट कर सकता है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं 2022 में, तो 1 करोड़ का जॉब, सोच लीजिए 1 करोड़ का जॉब, 9 स्टूडेंट्स को तो 1 करोड़ के ऊपर मिला था, जिसमें फेसबुक से 1.8 CR का, एप्पल से 65 लाख का, गूगल से 1.4 CR का, अमेजोन से 1.1 CR का, और 40 LPA से ज़्यादा 50 स्टूडेंट्स को मिला था। मैं बता दूं, ये सारे के सारे CTC हैं। मुझे पता है आप सबको पता होगा ये कॉस्ट टू कंपनी है, ठीक है। तो इसमें से 70% जो होता है वो आपको इन हैंड, हाथ में मिलता है, बाकी ये इतने CR थे। इसका अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो CSE में 25-28 LPA गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11-15 LPA के आसपास गया था, और IT में 14.5-16.5 LPA। IT का फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका 31,000 के आसपास पड़ जाता है आपको, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और 12.83 इसका एवरेज पैकेज था सारे स्ट्रीम्स को मिला दिया जाए तो, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक है। बट यही बात है कि जब इसका इतना अच्छा ROI है, इसका इतना अच्छा प्लेसमेंट है, तो सीट जरूर इसमें कम होती है। तो सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो CSE में मात्र 64 सीट है, उसमें भी 90% जो है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 109 है और IT में 65 ही मात्र सीट है। तो अब हम थोड़ा सा जो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए आपको WBJEE का एग्जाम देना पड़ता है। तो जो WBJEE का एग्जाम है उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं बोल रखा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए WBJEE का एग्जाम होता है, तो एडमिशन का मोड आपका WBJEE का एग्जाम होगा, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th में आपके 60% PCM में चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि रिजर्वेशन सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो नेटिव स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहां से 12th किया था या जो वहां के डोमिसाइल हैं उनके लिए मात्र रिजर्वेशन लगता है, बाकियों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और इसका जो लेवल है वो JEE मेन से थोड़ा सा कम ही रहता है, मतलब JEE मेन के लेवल का रहता है। JEE मेन का जब सबसे EGS वाला पेपर होगा ना, उस टाइप का लेवल इसका रहता है, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैथ्स आता है, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है, जिसमें से मैथ्स के 2 घंटे के और फिजिक्स केमिस्ट्री के 2 घंटे के। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जिनमें, क्योंकि उनमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी मैथ्स ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो 13 हॉस्टल्स हैं, 4 गर्ल्स के हैं, 9 बॉयज के हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये पूरा पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। क्लब्स एंड सोसाइटी में म्यूजिक क्लब है, फिल्म सोसाइटी है, ड्रामा क्लब है। अगर मैं ट्यूशन फी के बारे में बात कर रखा था, मात्र 2400 में, आप सोच लीजिए, पर एनम, और IT में 31,000 है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल का प्रोज तो ये है कि सबसे ज़्यादा ROI यहीं पे है, मतलब कम फीस में आपको सबसे खतरनाक प्लेसमेंट। आप देख लें, 9 बच्चों को तो करोड़ों में प्लेसमेंट मिला है। और अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए हैं तब तो ये आपको सोने पे सुहागा वाला चीज़ हो जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो ये आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है। और मेरे ख्याल से सब कुछ है, टीचर भी सब कुछ अच्छे हैं। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स की बात यही है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पहले इस्टेब्लिश हुआ था, 1950s में इस्टेब्लिश हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा।
तो बट मुझे ऐसा लगता है कि आप 3-4 हज़ार में पढ़ करके एक साल का, और आप इतने करोड़ों में अगर पैकेज ले रहे हैं तो हमें क्या मतलब, मतलब दोस्त वगैरह हो यार मस्ती हो तो 4 साल यूं ही बीत जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में इतना ही था, अगर कोई कुछ भी पसंद आया हो तो बताना, और नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू किस पे चाहिए कमेंट में आप बता सकते हो, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कॉलेज रिव्यूज़ और कोटा कोचिंग से रिलेटेड न्यूज़ मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो थैंक यू एंड लव यू ऑल।